कि इनकी गर्दन की दर्द ट्रेवल करके हाथ में कहाँ तक जाती है दर्द? हाँ, गर्दन की दर्द ट्रेवल करके हाथ में जाती है और इन्हें सुन्नपन भी है। देखिए इनकी गर्दन बिल्कुल स्ट्रेट है, ये नॉर्मली सी शेप कर्व होना चाहिए, ये इनका बिल्कुल स्ट्रेट फ्लैट कर्व है। तो आपको इजीली नज़र आएगा कि ये वाली साइड डाउन है और ये वाली साइड थोड़ी सी अप है। देखिए नीचे नहीं जाने देना, ताकत रखें, ये साइड वीक है, ऊपर नहीं जाने देना, ताकत रखें, बिल्कुल नीचे नहीं जाना, ताकत रखेंगे, 1 2 3, नीचे नहीं जाना, ताकत रखेंगे। क्या नरम हुआ है कि दर्द कम हो गया? अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ सलमान फ़िरोज़। आज की मेरी इस वीडियो में हमारे पास जो ये पेशेंट है जावेद खान है, जूडो के प्रोफेशनल प्लेयर हैं और नेशनल चैंपियन है। आजकल नेशनल का कैंप लगा और इन्हें चोट लग गई है। कंप्लाइंस इनकी ये है कि इनकी गर्दन की दर्द ट्रैवल करके हाथ में कहाँ तक जाती है दर्द? हाँ, गर्दन की दर्द ट्रैवल करके हाथ में जाती है और इन्हें सुन्नपन भी है। तो आज हम इन्हें एडजस्ट करेंगे और साथ इनके साथ सेशन में कुछ एक्सरसाइज ऐड करेंगे। ये बेसिकली गर्दन में नर्व कंप्रेशन होती है, क्योंकि ये जूडो के प्लेयर हैं, टक्करें वगैरह इनकी लगती रहती हैं, तो गर्दन में नर्व कंप्रेशन हो जाती है। और अगर आप साइड से देखें, देखें इनकी गर्दन बिल्कुल स्ट्रेट है, ये नॉर्मली सी शेप कर्व होना चाहिए, ये इनका बिल्कुल स्ट्रेट फ्लैट कर्व है। और ये फ्लैट होने की वजह से नर्व्स के ऊपर कंप्रेशन थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता है और ये मसल्स के अंदर भी इम्बेलेंस है। आप कौन से हाथ से थ्रो वगैरह करते हैं, राइट हैंडेड या लेफ्ट हैंडेड? इधर से मैं पकड़ता हूँ, इधर से मारता हूँ, खींचता हूँ इधर से। अच्छा, तो इनके मसल्स में भी काफ़ी ज़्यादा इम्बेलेंस है। ये वाली साइड के गर्दन के मसल ये टाइट हैं और ये थोड़े से फ्लैटेंड है, लूज हैं, उल्टा लेटे हैं जनाब। ठीक है, बिल्कुल गर्दन ढीली छोड़ देंगे। अगर आप इस तरह इनके शोल्डर को देखेंगे तो आपको इजीली नज़र आएगा कि ये वाली साइड डाउन है और ये वाली साइड थोड़ी सी अप है। देखिए ये वाली साइड अप है, ये साइड डाउन है। बिल्कुल ढीला, गर्दन बिल्कुल नरम, शोल्डर रिलैक्स, बिल्कुल ढीला छोड़ दें, कंधे ढीले, कंधे ढीले, बिल्कुल नरम, सीधा लेटेंगे और दरमियान हाथ इधर रखेंगे, मौका बनाएंगे, मौका जोर रखना है, ऊपर को भेजूंगा, ऊपर नहीं जाने देना ताकत, ठीक है, मैं नीचे को भेजूंगा, नीचे नहीं जाने देना ताकत, कोनी सीधी रही ताकत, ठीक है, बाजू ढीले धीरे धीरे धीरे, मैं इसको बाहर को खींचूंगा, उन्हें बाहर नहीं जाने देना, जोड़ के रखें, ऐसे जोड़ के रखें, कोनी सीधी, कोनी सीधी, हाँ जोड़ के रखें, इसको भी ऐसे करेंगे, रखेंगे कोनी सीधी, नीचे नहीं जाने देना, ताकत रखें, ये साइड वीक है, ऊपर नहीं जाने देना, ताकत रखें, कोनी इधर जोड़ें, तो बाहर खोलूंगा, बाहर नहीं खोलने देना, ताकत रखें, 1 2 3, ताकत, ये वाली साइड वीक है। और ये आपका मेन पोर्शन है जिससे आप थ्रो करते हैं। असल में ये नर्व तभी होती है, वो काफ़ी मसल्स को सप्लाई कर रही होती है, तो जब वो दबाव होता है तो मसल ओवरऑल वीक हो जाते हैं। जिसमें बिल्कुल रिलैक्स हो गए, बिल्कुल बाजू में महसूस हुआ, देखे रहेंगे, थोड़ा सा सेफ, बिल्कुल दिखा दे रहा, बिल्कुल नरम कर रहा, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल बिल्कुल रिलैक्स, बैठेंगे जरा आराम से, वीक हो गया ना, ये वाला पट्ठा ऊपर चढ़ जाता है थोड़ा सा, जिसकी वजह से ये वाला कंधा आपका ऊंचा लग रहा है, कंधा नीचे लग रहा है। इसकी आपको एक्सरसाइज बताएंगे, थोड़ा सा आगे हो जाए, बिल्कुल ढीला,
रिलैक्स हो गए, हाथ गोद में रख लेंगे, बिल्कुल ढीली गर्दन, बहुत टाइट है गर्दन, आप बिल्कुल नरम छोड़ रहे, चेहरा मेरे हाथ में रख, ऐसे बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल साइड। मैं हल्का सा ना आपकी गर्दन को ट्रैक्शन दूंगा, मैंने हल्का सा बोल कर बिल्कुल रिलैक्स हो, कंधा झुका, बिल्कुल छोड़ है, बिल्कुल रिलैक्स करना है, बिल्कुल नरम 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 नरम, ऊपर उठाएंगे पास दोनों दोनों मैक्सिमम, ठीक है नीचे, अच्छा जी स्टेटस, अच्छा आपने क्या करना है, इस बाजू को ऐसे खोल, ऐसे खोल को, ऐसे पीछे कर, कंधे को करना टाइट, अब इसको इधर ही टाइट रखते हुए, ये टाइट रहेगा टाइट रहेगा, टाइट रखते हुए इसे नीचे बंद कर दें, छोड़ दें छोड़ें 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 छोड़ें, इसे नीचे करें, अच्छा जब आपने इस तरह किया ना टाइट, तो ये शोल्डर अपने प्रॉपर जो बैलेंस होना चाहिए अपने बैलेंस में आ जाता है, उसकी वजह ये वाला पट्टा आपका ना, ये सेरेटस इस मसल का है, ये पट्टा एक्टिव नहीं है, ढीला है, ये अपना काम छोड़ता है, उसकी वजह से सारा लोड कंधे पे आ जाता है, वो कंधा ऊपर जा जाता है, जब ये वाला मसल एक्टिव होगा, कि हमने इस मसल को थोड़ा सा एक्टिव किया है, मतलब ये हल्का सा तो आर्टिफिशियली, इसकी वजह से कंधे की हाइट बराबर हो जाती है, लेकिन ये टेम्परेरी है, जब तक गर्दन के ऊपर से दबाव नहीं जाना ये मसला ऐसे का, गर्दन के ऊपर दबाव भेजने के लिए कुछ वर्जिशें वो भी आपको अंदर ऐड करवाते हैं, और अंदर इसको स्पाइनल डीकम्प्रेशन भी करते हैं, एक मिनट ज़रा सीधा लेटे हैं ज़रा दोबारा, ऊपर नहीं जाने देना, मैं थोड़ी सी एक्टिवेशन करवा दूँ, रोक के रखें रोक के रखें, ऊपर नहीं जाने देना, ताकत रखें ताकत, फिर इसको नीचे लेके जाएं, नीचे लेके जाएं, सर नीचे रहने दें, फिर फिर नीचे फिर नीचे ढीला, फिर नीचे ढीला, कोनी सीधे नीचे ढीला, फिर नीचे फिर नीचे, इसको इधर रोक के रखें, ऐसे इसको अंदर को खींचना है आपने, खींचे नहीं कोनी सीधी रहेगी, बस इसको ऐसे खींचे ये, फिर कोनी सीधी, ये कोनी सीधी, कोनी फोल्ड फोल्ड होने फोल्ड होने, बिल्कुल ढीला छोड़ दें, जिसमें पे जान छोड़ दें, इसमें ना काफ़ी मोबिलिटी रिस्ट्रिक्शन आ गई कंधे में, सारे मसल मिलते, हालांकि देखने में बाजू बड़ा मजबूत है, लेकिन ये क्लिकिंग की आवाज सुन रहे हैं, टिक इसको इधर रखें, नीचे नहीं जाना, ताकत रखेंगे, वन टू थ्री, नीचे नहीं जाना, ताकत रखेंगे, हाथ ऐसे जोड़े, नीचे जाने देना, बाहर नहीं खोलने देना, कोनी कोनी सीधी, ताकत रखेंगे, वन टू थ्री, ताकत ताकत, अच्छा ये वाली मूवमेंट अभी वीक है, लेकिन इस वाली में प्रॉपर फरहा आ गया, इसमें स्ट्रॉन्ग है थोड़ा सा, बेटा ये वाली मूवमेंट है ये अभी भी वीक है, ये इसलिए वीक है कि आपका जो लैट का मसल है ना ये भी एक्टिव नहीं है, अब इसकी एक्टिवेशन अगर करवाते हैं, ये मसल है ना ये वाली सामने भी, हाँ एक और दो, ये बिल्कुल वीक है, सुन ले ये जगह मेरी सुन ले, बिल्कुल बैठेंगे जरा आराम,
आपको जनाब कुछ एक्सरसाइज ऐड करवाते हैं। सबसे पहले तो एक हमने काम करने के हमारी गर्दन का पोस्टर सीधा हो, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारा ये वाले जो पट्टे हैं ना शोल्डर के, ये मजबूत हो ताकि इसको वापस अपनी जगह पर खींच कर, ये हमारा सामने वाला पट्टा चलना चाहिए, ये वाला पट्टा चलना चाहिए। तो उसके लिए कुछ एक्सरसाइज हैं। रबर बैंड तो आप लोग इस्तेमाल करते हैं ना उसमें ट्रेनिंग में, जीटों में, तो आप उससे कुछ वार्म अप की एक्सरसाइज बता बहुत करेंगे तो कुछ दिन में बेहतर हो जाएगा और दोबारा एक बार मेरा आज में वाला दोबारा। अभी ज़रा हिला के देखें, दर्द बढ़ी नहीं किसी जगह क्या नहीं बात है। उसके अलावा दर्द क्या नरम हुआ है कि दर्द कम हो गया? दर्द कम हो गया, नरम और इधर खींच है, खींच रहा है ये तो पता नहीं है सारी खींच रहा है। ये जो खींचे है ना, जो चल के आ रही है, नर्व की पेन है, ये गर्दन में नस दब रही है। और एक नस दबने से एक तो वो पट्ठे को तंग करती है, पट्ठे में वीकनेस आ जाती है। हम वर्जिश कर रहे होते हैं, वजन वो उतना उठा रहे होते हैं, लेकिन वो कंपनसेशन हो रही है, खून नहीं मिल रहा सही से। वो उसके लिए थोड़ी सी वर्जिशें वो ऐड करवाते हैं आज आपको, ताकि आपका बैलेंस पोस्चर बेहतर हो और फौरन इसे ठीक होंगे। इसलिए कुछ दफ़ा आपको आना पड़ेगा, इंशाल्लाह अल्लाह का फजल होगा।